चलिए दोस्तों, एंड गेम के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगा आज, प्लानिंग के बारे में। ये पोजीशन है आपके सामने, जिसमें ब्लैक के पास थ्री पॉन और बिशप है और व्हाइट के पास रुक और दो पॉन। मोस्टली ऐसी गेम ड्रॉ की तरफ जाती है, लेकिन प्लानिंग, अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है तो आप गेम जीत सकते हो। यहाँ पे अगर अपोनेंट का जब किंग, ध्यान रखो कब कैसे सोचना, जब आप गेम खेलते हो तो अपोनेंट का किंग की पोजीशन ऑलवेज देखो, लास्ट रैंक में है या लास्ट फाइल पे है, तब आपको मेट के प्लानिंग ज्यादा आने चाहिए। इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक का किंग जो है H4 पे, मतलब लास्ट फाइल पे है। अब यहां से व्हाइट को विनिंग प्लान क्या करना, तो अगर हम रूटीन गेम खेलने जाएंगे तो व्हाइट की ओर से आपको बेस्ट मूव क्या दिखेगी कि चलो रुक पे A6 पॉन पे अटैक करो, पॉन को वीकनेस करवाओ और उसके बाद हम यहाँ से कुछ करेंगे। लेकिन ये रूटीन पोजीशन, रूटीन मूव है, यहाँ पे आपको यहां से परफेक्ट प्लानिंग क्या करते है? तो मेट की पोजीशन अगर हम देखें तो मेट कैसे बनाई जाए, यहां से ब्लैक के किंग जो लास्ट फाइल पे है, उसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल करना है रुक G6। किंग कंट्रोल हो गया, पॉन भी मूव नहीं कर सकते हैं H5 का। आइडिया किंग E3, देन किंग F4, रुक G2 एंड रुक H3 चेकमेट। किंग को पहले होल्ड कर दिया, ब्लैक रिप्लाई देगा यहाँ पे A4। अब हम खेलेंगे किंग E3, ब्लैक रिप्लाई देगा A3, किंग F4, A2 एंड रुक G3। दोस्तों एक मूव क्वीन बनने में बाकी है, लेकिन हमारे पास एक परफेक्ट प्लानिंग है चेकमेट का। अब ये चेकमेट बचाने के लिए ओनली एक ही ऑप्शन है, बिशप E6। पर यहां भी बचने वाला नहीं है, रुक सैक्रिफाइस, रुक H3 चेक, बिशप टेक्स H3 एंड पॉन टू G3। पॉन से चेकमेट हो रही है, हमने सोची थी रुक की चेकमेट, लेकिन जब कंजप्टर एरिया में किंग आ जाता है तो ऐसे ऐसे चेकमेट के प्लानिंग आप कर सकते हैं। चलिए दूसरी पोजिशन देखते हैं दोस्तों। ये पोजीशन में व्हाइट के पास रुक बिशप है, ब्लैक के पास क्वीन और दो पॉन। इस पोजीशन में हमें गेम विनिंग करनी है, व्हाइट से खेलेंगे क्योंकि ब्लैक का किंग जो है कंजप्टेड एरिया में है यहाँ पे, और यहाँ सबसे बेस्ट चॉइस मैं बताऊंगा आपको। वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिए कि क्या खेलना चाहिए। बिशप चेक देके मेट कर रहा है, और दूसरी मूव बिशप चेक देन G5 देन पॉन पुश चेकमेट, ये दो थ्रेट है। तो व्हाइट सबसे पहली मूव करेगा रुक C2, सैक्रिफाइस द रुक। क्वीन टेक्स रुक फोर्स मूव, उसके बाद बिशप D8 चेक। अब यहां पे फोर्स मूव क्या है दोस्तों, G5 और वन मोर टाइम एक वेटिंग मूव बिशप टू A5। अब थ्रेट क्या है यहां पे हमारी, चेकमेट की। अगर ब्लैक ने यहां पे G4 किया तो यहां पे बिशप D8 चेकमेट हो, तो G4 पॉसिबल नहीं है, और ये चेकमेट रोकने के लिए ब्लैक के पास एक ही बेस्ट चॉइस है, क्वीन F2 में सबसे बढ़िया मूव बिशप C7। अब यहां के ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, अगर पॉन मूव किया तो बिशप D8 मेट और
अगर क्वीन कहीं भी मूव किया, मानो कि इसी लाइन में रखा पॉन को क्वीन रखते हुए, तो बिशप जी टू चेकमेट, मतलब ब्लैक इज इन जिगजॉन्ग। और क्वीन इस लाइन में कहीं खेला है तो जी टू चेकमेट, और क्वीन सैक्रिफाइस भी कर दिया अगर, जैसे कि क्वीन एफ फोर, तो यहां पे बिशप टेक्स, बिशप टेक्स एफ फोर, नहीं यहां पे रहेगा जी टू चेक, और उसके बाद क्वीन टेक्स जी टू और बिशप जी टू चेकमेट। मतलब एक रुक सेक्रीफाइस की मूव ढूंढने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। और भी ऐसे वीडियो तरह तरह के मैं बना के लाऊंगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।